साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज और इंस्टीट्यूट से डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, हमारे YouTube चैनल पे ईजी स्टडी फार्मेसी पे अगर आपकी भी कोई क्वेरी है मेडिसिन से रिलेटेड, या डिप्लोमा इन फार्मेसी, या बैचलर इन फार्मेसी, या कैरियर से संबंधित, आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। साथियों, एक विद्यार्थी ने जो है क्वेश्चन किया, सर मैं फर्स्ट ईयर में बी फार्मा में हूँ, क्या मैं इस टाइम हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकती हूँ? महिला स्टूडेंट है, गर्ल विद्यार्थी है, जिसने पूछा है कि फर्स्ट ईयर बी फार्मा में हूँ और मैं इस समय जो है क्या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, एक बात बताऊंगा, सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, डी फार्मा और बी फार्मा में डिफरेंस क्या है, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं और मैंने कईयों वीडियो में बताया भी है। साथियों, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, 2 ईयर का होता है, प्लस 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। साथियों, ये क्लिनिकल में मैप है, जो भी CSC, BSC, 100 बेड, PGI, एम्स, जितने भी अस्पताल होते हैं जहाँ पे दवा का रख रखाव, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन, मरीज को दवा देना, दवा देने के बाद मरीज को डोज तक का बताने का काम फार्मासिस्ट का है, वो जो फार्मासिस्ट है वो डी फार्मा है, क्योंकि वो क्लिनिकल में मैप है, जहाँ पे ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना और जो है एमरजेंसी ड्यूटी संपादित करना, मेडिको लीगल संपादित करना, डॉक्टर के साथ जो है 24 आवर्स की जो ड्यूटी है वो फार्मासिस्ट की है। साथियों, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी है, जो कि इंजीनियरिंग में मैप है। इसमें क्या होता है साथियों, विद्यार्थी करने के बाद प्रोडक्शन में जाएंगे। प्रोडक्शन में साथियों क्या होता है कि दवा बनाने के निर्माण में बहुत सी डिवीजन होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, इंजेक्टेबल्स हैं, टैबलेट हैं, कैप्सूल फार्म है। अब जैसे कोविड की वैक्सीन है, इसको भी हमारे किसी फार्मासिस्ट भाई ने ही बनाया होगा। तो कहने का मतलब है, बद्दी हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, बॉम्बे है, गुजरात है, बहुत जगह प्रोडक्शन है, फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें जो है दवा बनाने के निर्माण में जो है बी फार्मा के विद्यार्थी लगते हैं, या फिर अपग्रेड होके जो है लेक्चरर बनते हैं, टीचर बनते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब जो है ड्रग इंस्पेक्टर की निकलती है। साथियों, एसोसिएशन की बहुत की लड़ाई के बाद जो है बहुत सी ऐसी संस्था है जहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा दोनों की जो है जॉब लगने लगी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ESI हॉस्पिटल है, वहाँ पर डी फार्मा बी फार्मा दोनों एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसका एंट्रेंस क्लियर होता है उसकी जॉब लगती है। तो साथियों, जो विद्यार्थी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट ईयर में हूँ और क्या मैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। वैसे जो है ये आपकी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है, किसी यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के सेमेस्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के सेमेस्टर में। मोस्टली यूनिवर्सिटी में क्या है कि 3rd ईयर में जो है ये 45 डेज की है, किसी में 30 डेज की ट्रेनिंग है, उसके बेस पर जो है क्या होता है सेशनल मार्क जो है टीचर्स देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो क्या करते हैं कि 4 साल हैं, चारों साल में जो है 10 डेज, 15 डेज, 45 डेज, 30 डेज हॉस्पिटल ट्रेनिंग जरूर कराते हैं। जैसे ही उनका एग्ज़ाम होता है, छुट्टी होती है, तो वो क्या होता है कि एक लेटर इशू कर देते हैं। वो क्या होता है कि उन्हीं को रजिस्टर इशू करते हैं जो स्टूडेंट मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, जिनके अंदर सीखने की ललक है, मतलब डिज़ायर है, इच्छा है, तो वो हमारे आते हैं, लेटर लेके आते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। 30 डेज की होती है, 45 डेज की होती है। ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू हो सकती है, जैसे बीच में संडे पड़ता है वो भी हम ऐड करते हैं। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में साथियों क्या होता है कि इमरजेंसी ड्यूटी हैं, 3 शिफ्ट में चलती हैं। इमरजेंसी में जैसे मेरी अभी ड्यूटी है 2 से 8 में है, मॉर्निंग में एक है, 8 से 2 के बीच में है, और सेकेंड शिफ्ट जो है आफ्टरनून शिफ्ट कहते हैं, 2 to 8 PM है, नाइट शिफ्ट 8 से सुबह 8 तक है। तो साथियों क्या होता है कि मॉर्निंग में OPD में भी ड्यूटी लगती है, इंजेक्शन रूम में भी लगती है, चेस्ट OPD है जैसे हमारे यहाँ, वहाँ लगती है, प्लास्टर रूम है, बहुत सी जगह है। तो हम हॉस्पिटल में ड्यूटी बदलते रहते हैं ताकि विद्यार्थी बेहतर सीख सके। तो आप अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके इंस्टीट्यूट वहाँ से एक लेटर जारी कर देगा और आप फर्स्ट ईयर में भी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथियों, ट्रेनिंग जो है जहाँ पे भी फार्मासिस्ट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहने का मतलब जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल महिला चिकित्सालय है उसमें भी जा सकते हैं, 100 बेड है, CSC है, PSC है, संयुक्त चिकित्सालय हैं, या फिर कंबाइंड है, राजकीय चिकित्सालय हैं, या जिला अस्पताल है, कहीं भी जो है जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है वहाँ पे आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो साथियों, विद्यार्थी को यही कहूँगा कि वो ट्रेनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप लखनऊ के हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है,
आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार FB पेज है, साथ ही साथ हमारा जो है फेसबुक का पेज है ईजी स्टडी फार्मेसी, यूट्यूब चैनल पे भी वही नाम है और जो है FB पेज पे भी वही नाम है। साथियों आप इसी तरह की क्वेरी करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो इसी के साथ विराम देते हैं साथियों, नमस्कार।